नमस्कार। आज हम लोग इधर दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री को बचाने के लिए हिल तराई डुअर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन के तरफ से मैं प्रेसिडेंट जेबी तामाङ, महासचिव भरत ठकुरी, कर्सेङ सब डिविजन का प्रेसिडेंट सागर गुरुङ और जनरल सेक्रेटरी भक्तिमान तामाङ, हम लोग भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा पार्टी से पार्टी का भातृ संगठन नाम ट्रेड यूनियन हिल तराई डुअर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन के तरफ से आज इस सिलगढ़ी प्रेस क्लब ने दार्जिलिंग टी को कैसे बचाना है। दार्जिलिंग टी को सिर्फ बचाना नहीं है, दार्जिलिंग टी में काम करने वाले हमारा श्रमिक 1 लाख से भी ऊपर है, क्योंकि परमानेंट वर्कर और कैजुअल वर्कर और उसमें डिपेंडेंट वर्कर लगा के उसका साथ में जो डिपेंडेंट है वो लगा के 3 लाख श्रमिक का भविष्य अभी बहुत समस्या में है। आप लोग देख रहा है दार्जिलिंग में अभी प्रत्येक साल में कभी 10 बगान बंद हो रहा है, कभी 2 बगान बंद हो रहा है। मालिक के साथ हम लोग बात कर रहेंगे, मालिक बोल रहा है कि अभी दार्जिलिंग टी का दाम नहीं है, दार्जिलिंग टी बिक्री नहीं हो रहा है, ये सब सुन रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग का भी इतना ज्ञान है, हम लोग भी जान रहे हैं कि दार्जिलिंग टी का भविष्य अभी किस तरफ जा रहा है, दार्जिलिंग टी में काम करने वाले हमारा श्रमिक का भविष्य क्या होने वाला है। इसी के चलते हम सिर्फ ट्रेड यूनियन हम लोग करते हैं, हम ट्रेड यूनियन से हमारा सिर्फ श्रमिक का मांग रखने के लिए नहीं है, हमारा इंडस्ट्री भी बचाना है, इंडस्ट्री को अच्छे तरफ से चलाना है, तभी तो हमारा श्रमिक भी बचेगा, हमारा इंडस्ट्री भी बचेगा और ट्रेड यूनियन भी बचेगा, मालिक भी बचेगा, तब जाके दार्जिलिंग टी का भविष्य रहेगा। तो इसी के चलते आज हम लोग आप लोगों से ये बात करने के लिए आया है और ये दार्जिलिंग का टी आज क्यों संकट में है, क्योंकि दार्जिलिंग का टी अभी जो आप लोग विश्व प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग का टी, लेकिन अभी इसका दाम नहीं है, बिक्री भी नहीं है, क्योंकि वही चिया अभी नेपाल में बन रहा है और नेपाल में जो काम करने वाला श्रमिक है उनको ग्रेजुटी भी देने नहीं पड़ेगा, उसका प्रेप पीएफपी नहीं है, उसका फ्रेंच बेनिफिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम करने वाले को सिर्फ सैलरी मिलेगा। तो इधर दार्जिलिंग का आज 1836 साल से शुरू हो गया दार्जिलिंग का चाय का इंडस्ट्री और उसमें काम करने वाले लोग उसी टाइम से आज तक आप लोगों ने देखा है यहाँ पे ग्रेजुटी भी पे करना पड़ता है, पीएफ का भी है और पेंशन का भी व्यवस्था है, लेकिन नेपाल का चाय में नहीं है और नेपाल में फिर हमारा करेंसी से और उनका करेंसी सस्ता भी है। जो दार्जिलिंग का टी 500 रुपये है तो नेपाल का टी तो 200 में मिल जाएगा। तो इसलिए अभी दार्जिलिंग का लोगो दार्जिलिंग का लेबल लगा के अभी पूरा विश्व में और यहाँ जहाँ भी इंडिया में भी वो आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको किस नज़र से देख रहा है, उसको देखना चाहिए। वो बार बार बोल रहा है दार्जिलिंग को हम ये करेंगे, दार्जिलिंग को वो करेंगे, दिल्ली से बोल रहा है, प्रधानमंत्री भी बोलेगा, गृह मंत्री भी बोल रहा है, लेकिन अभी 1 लाख श्रमिक का भविष्य किस तरफ जा रहा है वो देख रहे हैं वो लोग। नेपाल का चिया आ रहा है दार्जिलिंग में, उसका कोई इम्पोर्ट नहीं है, कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं है, फ्री में आ रहा है, तो कैसे चलेगा दार्जिलिंग का चिया, दार्जिलिंग की इंडस्ट्री कैसे चलेगा। आप लोग देख रहे हैं ना बोनस के समय में भी मालिक भाग रहे हैं, अभी अभी 10 बगान बंद हुआ था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ 6 बगान खुला है और 4 बगान अभी भी बंद है, ऐसे भी पहले से बंद है, पानी घट्टा भी बंद है,
अब लॉन्ग व्यू के भी हालात ऐसा है, 87 टी गार्डन है दार्जिलिंग में, लेकिन उनका हालात, उनका भविष्य निधि, उसका ग्रेजुटी कौन पे करेगा। इसी के चलते हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज हम गुजारिश करेंगे और उनको उनको ये भी हम बताना चाहेंगे कि दार्जिलिंग को भविष्य 70% टी गार्डन है दार्जिलिंग में, और जितना भी झमेला हो, जितना भी गोरखालैंड के मांग हो, जो भी हो, सब टी गार्डन से उठ के आता है, क्योंकि वहाँ श्रमिक रहता है, श्रमिक। इसीलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करेंगे आज कि आप लोग को देखना चाहिए ये दार्जिलिंग को, टी को कैसे बचाना है, दार्जिलिंग में जितना भी टी इंडस्ट्री उसको कैसे बचाना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे होना चाहिए, और ये टी बोर्ड है, टी बोर्ड क्या देख रहा है। हम लोग सुनने में आता है कि इतना 1000 करोड़ दिया है, 20,000 करोड़ दिया है, वो सब आसाम में खर्च कर रहा है, लेकिन दार्जिलिंग का टी गार्डन में, एक भी गार्डन में आज तक टी बोर्ड को तरफ से एक भी पैसा नहीं मिला है। अभी देखिए आप लोग, जितना भी आसाम का गार्डन है, वहाँ पे नानी पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए, लेबर के बच्चे पढ़ने के लिए सब कुछ टी बोर्ड से मिलता है, लेकिन दार्जिलिंग में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता है मालिक की तरफ से, वही मिलता है, जो सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, ग्रेजुटी पीएफ वही देता है मालिक, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, इंडिया गवर्नमेंट। फिर भी हमारा काम जो भी है, हमारा श्रमिक वो काम कर रहे हैं, लेकिन जितना भी हो सके नेपाल का टी को रोकना चाहिए, नेपाल टी को बैन को होना चाहिए इंडिया में, नहीं तो दार्जिलिंग टी कैसे रहेगा। दार्जिलिंग टी को बचाना है, दार्जिलिंग टी में काम करने वाला, अभी भी मैंने बोला है 1 लाख उसका डिपेंडेंट जोड़िए, 3 लाख, और दार्जिलिंग का टोटल आप लोग पॉपुलेशन देखने में 7 से 8 लाख है, ज़्यादातर टी गार्डन और सिमकुना बगान में हम लोग रहते हैं। इसलिए दार्जिलिंग को बचाना है, दार्जिलिंग को ठीक से रखना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे होना चाहिए और टी बोर्ड को भी आगे होना चाहिए। और जिस तरफ से आज मालिक लोग संकट में, हम लोग को मालूम हो गया, हम लोग इसीलिए मैंने पहले भी बोला है, हम डिमांड करने के लिए सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं करते, डिमांड भी हम लोग करेंगे, लेकिन टी गार्डन को भी, टी इंडस्ट्री को भी बचाना चाहिए हम लोगों को। इसीलिए हम भी टी गार्डन को बचाने के लिए आज इधर में आगे आए, और इसी तरफ से गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब आगे आके दार्जिलिंग टी को बचाने के लिए, वो नेपाल का टी जो है ब्लेंडिंग, उसको ब्लेंडिंग करना चाहिए, उसको बंद होना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही चलेगा तो दार्जिलिंग का टी इंडस्ट्री आज का, देखिए मैंने पहले भी बोला है, 1836 से शुरू हो गया है, वो एक इतिहास रह जाएगा, और दार्जिलिंग टी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए दार्जिलिंग को कुछ करना है, हमारा देश का प्रधानमंत्री जी ये खोपरे में आके भी बोला है, गोरखा का सपना मेरा सपना है, तो आप गोरखा का सपना आपका सपना है, तो पहले आप दार्जिलिंग टी को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आप आगे आइए, तब आप गोरखा का सपना पूरा कर सकेंगे, नहीं तो ऐसे ही करके नहीं होगा, नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करने से तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग आज इस प्रेस के माध्यम से हम पूरा हिंदुस्तान में जितना भी हमारा टी गार्डन से रिलेटेड जितना भी ऑफिस है, सरकार में हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि दार्जिलिंग के टी अभी दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री अभी संकट में है, इसके बचाने के लिए बंगाल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टी बोर्ड को आगे आना चाहिए। ये हमारा ट्रेड यूनियन के तरफ से भी है, और मालिक के तरफ से तो हो रहा है, उन लोगों के तरफ से भी कोशिश कर रहा है कैसे चलाना है, ये दार्जिलिंग टी को कैसे आगे ले जाना है, ये 1 लाख श्रमिक को कैसे हम लोग
पीएफ देना है, ग्रेजुटी देना है, सैलरी वैसे सब कुछ देना है। अगर दार्जिलिंग टी ये सब बंद हो जाएगा तो ये सब हमारा जितना भी श्रमिक है वो सब भुखमारी में पड़ जाएगा। अभी आपने देखा है 10 बगान बंद होने से कितना समस्या हो गया, हम लोग कितना दौड़ धूप करना पड़ा था, कभी डीएम का पास, कभी एलसी के पास, कभी मिनिस्टर के पास, कभी सिलगुड़ी श्रमिक भवन, कभी कलकत्ता, कितना दौड़ धूप करने पड़ा था। अरे भी और भी 6 से 8 बगान अभी भी बंद है। ये क्यों बंद हो रहा है? ये सब जिम्मेवारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको जल्द से जल्द नेपाल का जो टी है उसके ऊपर इम्पोर्ट ये सब लगाना चाहिए, नहीं तो ये दार्जिलिंग टी के लिए अभी 2 साल 3 साल दार्जिलिंग टी रहेगा, नहीं तो ये चला जाएगा। हिल तराई डुअर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन बोल रहे हैं कि 2021 में दार्जिलिंग का प्रोडक्शन रहा 6.7 मिलियन टन, उससे पहले कितना, 10 साल पहले अगर पकड़ा जाए या 5 साल पहले उस टाइम में 8 से 9 होता था, अभी क्या हो गया हमारा टी गार्डन में वर्कर्स का भी शॉर्टेज हो गया है, अभी 60% या 55% ही काम कर रहा है, क्योंकि अभी टी गार्डन का वर्कर का एब्सेंटिज्म भी हो गया है, उसी के चलते भी अभी प्रोडक्शन में कमी तो हो गया है, लेकिन कमी है टी गार्डन में, कमी हो गया, प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन मार्केट में कमी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नेपाल से लेके वो पूरा कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग चाह रहा है जितना प्रोडक्शन हो रहा है वही तो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। नहीं, इनका जो दार्जिलिंग टी का जो GI टैग, इसको आप लोग कैसे, मतलब नेपाल टी को आप लोग बोल रहे हैं कि 100% इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना पड़ेगा, हाँ, अगर ये संभव कैसे हो? नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहने से तो नहीं होगा, होगा नहीं, क्योंकि दार्जिलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम भारतवर्ष का ही नागरिक है, नेपाल देश अलग है और इंडिया अलग है, और हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं दार्जिलिंग, और अपना बेटे को पहले बचाना चाहिए ना, बाहर को बेटे को बचाना चाहिए। नहीं, वो जो 1950 का ट्रीटी है उसमें क्या आप लोग चाहते हैं कि सुधार चाहिए, क्योंकि नेपाल से भी कोई माल इंडिया आ सकता है, इंडिया से भी कोई माल वैसे ही जा सकता है, दूसरे देश के लिए अलग हिसाब है, और इंडिया नेपाल के बीच में जो ट्रीटी है उसके लिए अलग हिसाब है। नहीं, इसके लिए आप लोग क्या कहना है कि इसको थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा, इसके लिए जो बने ये आपने जो प्रश्न किया है ना, ये ऐसा होता है, ये जो ट्रीटी का बात है, ट्रीटी का ये अलग बात है, लेकिन हमारा ये बात है जो अभी 6.7 समथिंग चिया दार्जिलिंग का चिया बन रहा है, लेकिन ये विश्व बाजार में ये बिक्री हो रहा है से अबाउट 11+ मिलियन, तो ये बीच का जो है ना, ये डिफरेंस कहाँ से आए? वो तो ये जो चिया जो दार्जिलिंग का लोगों से वो बिक्री हो रहा है, दार्जिलिंग के नाम में बिक्री हो रहा है, दार्जिलिंग टी का नाम में बिक्री हो रहा है ना, इसीलिए हमने ये बोल रहा है कि ये अभी ये नेपाल चिया को भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो लगाने से क्या होगा, दार्जिलिंग का एग्जैक्ट चिया विश्व बाजार में जाता है, एग्जैक्ट टी नेपाल का चाय को वो ब्लाइंडिंग नहीं होता है, अभी तो ब्लाइंडिंग हो रहा है ना, नेपाल का चाय तो नेपाल से जब इंडिया में घुसता है ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नाम नहीं लिखा होता है, या ये इलीगल है या इसको इंडिया में ला नहीं सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आप लोगों को लगता नहीं कि जो ट्रीटी बना है ट्रीटी में कुछ सुधार लाना चाहिए? नहीं, ये ट्रीटी का तो बहुत है, ये तो दूसरा मैटर है, ट्रीटी का तो ये नहीं हमारा, लेकिन ट्रीटी जब हुआ था तब नेपाल में चाय बनता नहीं था, 1954 में चाय नहीं बनता था नेपाल में, तब जितना भी बनता था खुद के कंजम्पशन के लिए बनता था, कमर्शियली वायबल नहीं था, इसीलिए ट्रीटी में ये नियुक्त नहीं किया गया था, और अगर उसी हिसाब से अगर देखा जाए इंडिया का चाय जब नेपाल में जाता है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी 40% है, तो क्यों नहीं नेपाल, इंडियन टी हैज गॉट इम्पोर्ट ड्यूटी नेपाल लगाता है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं लागू होना चाहिए, पहली बात है। अगर 7 कंट्री है, बांग्लादेश से चाय बनता है जब इंडिया में आता है, इम्पोर्ट ड्यूटी 80%,
नेपाल में क्यों नहीं होगा इम्पोर्ट ड्यूटी? तो ये सारे जो है ये खाली वो ट्रीटी दिखा करके, एक तो मैंने बताया कि तब तो चाय बनती नहीं थी, अभी बनने लगा है, तो दैट ट्रीटी हैज बिकम इररिलेवेंट टुडे इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो. आपको क्या लगता है, डू यू थिंक द पॉइंट दैट यू आर राइज जस्ट नाउ दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द ट्रीटी एंड दे शुड लुक आउट द मैटर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. India, Bangladesh also has treaty. Bangladesh also and Nepal, then Bangladesh, why not Nepal? Yes. Import of tea from Bangladesh has got import. That is why, that means you are raising a question. At the Ministry of External Affairs, Government of India, for a partial treaty. Because that treaty has got no relevance. Yes. What he is asking, to review that treaty again. Absolutely. All treaties are reviewed periodically. Because what has been enshrined in the text of the treaty in 1954 may not be relevant now. Right. More items are included, more items are excluded. So every treaty should be reviewed, and even Nepal treaty has been reviewed in 1980. Sir, this is not the first time that you people, only you people are raising this question. Amader ekhane onek bahut organizations hai, they have also raised this question, but nothing has been done. इसका दो चीज होता है. तो आप लोगों को लगता है कि डू यू थिंक इट्स अ टाइम, द टाइम हैज कम टू डू समथिंग जिससे आप लोग को बड़ा कोई मूवमेंट और समथिंग एल्स, ऐसा कुछ खाली बोलने से भविष्य बना देगा? बहुत लोग लेटर लिखा है, तो ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं? अगर गवर्नमेंट नहीं सुनता है तो परिस्थिति सुनने के लिए मजबूर कर देगा तब, और जाकर के. ये पहले भी हुआ है, कई जगह पे हुआ है, जैसे आपने कहा. सर, जैसे आपने कहा, दार्जिलिंग के लिए, दार्जिलिंग का नाम तो बहुत लोग जानता है, पोखरण मुंबई में है, ये है, बहुत कुछ हुआ है, तो उसके लिए भी चाय बगान बंद था, है ना, बंद था पोखरण मुंबई. 105 दिन का मूवमेंट हुआ 86 में. तो आप लोग क्या कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं क्या, अभी इसका सलूशन अगर होगा तो ऐसे हो सकता है? अभी ये है ना, अभी सलूशन तो होना चाहिए ना. अभी गवर्नमेंट नहीं सुनेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या सड़क में तो आना चाहिए, बोलना चाहिए. वो तो बात के बाद देखा जाएगा. अभी हम लोग आज प्रेस किया है, कल परसों हम चिट्ठी भी दे देंगे, हम टी बोर्ड को भी लिखेंगे, आप इंडिया को भी लिखेंगे, ये सब होना चाहिए. हाँ, वो बोलेंगे उसको भी, उसको भी बोलेंगे आप लोग, क्योंकि उसका भी ड्यूटी बनता है ना. वो तो वोट लेके गया है ना, वो टी बोर्ड का मेंबर भी है ना, टी बोर्ड का मेंबर भी है. वो आओ में ऐसा बैठने से तो नहीं होगा, वो तो हम लोग ने वोट दे के उसको तो भेजा है, उसको तो संसद में बात रखना चाहिए. अभी लिखेंगे, कल ही लिखेंगे, लिखेंगे हम. सिलीगुड़ी प्रेस क्लब से हम शुरू किया है, ये तो आंदोलन ही है. आपके माध्यम से सभी तरह ये हम ये आंदोलन शुरुआत हो गया मूवमेंट. अभी हम कल से हम दार्जिलिंग प्रेस क्लब में हम देंगे. सबसे पहले हमें क्यों यहाँ आया कि हिंदी में तो सभी नेशनल ऑल ओवर में जाएगा, इसीलिए हम सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंट देकर हम आज यहाँ आया है. ये भी दार्जिलिंग ही है, लेकिन ये प्रेस क्लब का जो है ना, दार्जिलिंग तो दार्जिलिंग प्रेस क्लब का जो मौत देते हुए ऐसा किया. दार्जिलिंग का चाय तो अलग स्वाद है, लेकिन नेपाल का चाय की ऐसा होता है? वही तो, हमने तो नहीं पिया है अभी तक, सिर्फ दार्जिलिंग का ही पिया है, हम नेपाल का तो नहीं पिया है. अभी तक तो इनका रोल तो जीरो है. क्या काम किया है दार्जिलिंग के लिए, कुछ किया है? इसी मुद्दे में भी क्या किया था? अब देखिए, अभी 10 बगान बंद था, एक दिन कहीं भी एमपी को दिखाए, कहीं भी रिलीफ दिया है, एक भी लेबर को कहीं रिलीफ मिला है, तो वो तो जीरो ही है ना. वो कुछ काम नहीं, वो बोलने वाला एमपी है, हवा देने वाला एमपी है, काम करने वाला एमपी नहीं है. वो सिर्फ पॉलिटिकल भाषण देते हैं वो, लेकिन ग्रास रूट में इसका बुनियादी जो समस्या है ना, ये समस्या के लिए वो कभी भी नहीं बोलता है. लेकिन दार्जिलिंग थी तो ये हमने तो अब ये
दस गार्डन जो अभी 6-7 महीने से बंद हो रहा है, अभी तक अब हमारा एमपी का जो जिम्मेवारी है वो तो बोलना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला है वो अभी तक, तो उसे क्या आशा करो। सर आप लोग मिले थे एमपी साहब से? नहीं अभी तो नहीं मिला अभी तक। आप लोग से कुछ चिट्ठी दिया उनको? नहीं एमपी को तो हम नहीं दिया है, लेकिन अब गवर्नमेंट को हम देते आज हमने बोला है ना, ये फर्स्ट हम यहाँ पर आया है। हमारा ये है कि हमारा हम लोग जो हमारा भातृ संगठन हम लोग बीजेपीएम भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा हमारा इसका हम ब्रांच है ना, ये भातृ संगठन है हिल तराई डुवर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन। हमारा जो भी प्रॉब्लम है हम लोग तो हमारा पार्टी को बताता है ना, जो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा ये आपने जो बात किया ये 1950 का ट्रीटी का बात किया है ना, और ये कहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को बोलना है, ये तो हमारा पार्टी करेगा। हम लोग पार्टी हमारा चीफ को हमारा पार्टी का सेंट्रल कमेटी को हम लोग ये सब रहेगा, वही बताएगा कि कहाँ कहाँ बताना है। सर ये पार्टी का प्रेस मीट है या दार्जिलिंग में जो लोग वर्कर्स हैं उनका प्रेस मीट है? लेकिन नहीं हम लोग ट्रेड यूनियन रहे तो बिलोंग तो पार्टी को बीजेपीएम करता है ना। बीजेपीएम अभी बंद है पानी घटा धोत्रिया तुंगसुंग धोत्रिया तुंगसुंग हाँ धोत्रिया तुंगसुंग तुंगसुंग रंबुक सीडर्स और एक है वो रागेरुंग आलूबारी ना ना छह बंदे अभी दो पहले सा पहले का बंदे 2016 से बंदे वो हाँ आलूबारी और पांडम लाख पांडम चार अभी बंद हुआ दो तीन महीने से पहले हाँ चार बंदे और दो 2016-17 से बंदे टोटल 87 हाँ 87 उसमें अभी छह बगन तो एब्सेंटिज्म का कारण क्या है? एब्सेंटिज्म का कारण है वो अभी का रोजी कहाँ जा रहे हैं रोजी बाहर काम करने वाले लोगों को 500 रुपया 600 रुपया मिलेगा गार्डन में 232 रुपये। देखिए जो ओल्ड जनरेशन है वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी का जो जनरेशन है जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना तो मेरा जनरेशन मेरा नेक्स्ट जनरेशन मेरा बेटा या बेटी तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है तो सिलगुड़ी आके काम करेगा लेकिन गार्डन में नहीं करेगा। ऐसा नेपाल में कम मिलता है वर्कर्स के लिए भी दो तीन दिन पहले हो गया था ना, दो तीन महीने पहले हाँ एक बार तो बढ़ा दिया है 232 तो उसी के चलते